बुडापेस्ट में चल रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन, पहले थ्रो में फाइनल के लिए क्या क्वालिफाई। नीरज चोपड़ा ने 88.77 मीटर का भाला फेंका, नीरज चोपड़ा ने फेंका सीजन का सबसे बेस्ट थ्रो। 27 अगस्त को खेला जाएगा फाइनल, कुल 12 एथलीट्स फाइनल में करेंगे प्रवेश, टूर्नामेंट में गोल्ड के प्रमुख दावेदार। नीरज चोपड़ा ने करियर का तीसरा बेस्ट थ्रो फेंका, अंक तालिका में टॉप गोल्डन बॉय। पेरिस ओलंपिक के लिए भी नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाई किया, अगले साल 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक होगा आयोजन। इसरो ने चंद्रयान 3 का नया वीडियो जारी किया है, प्रज्ञान रोवर का विक्रम लैंडर से चांद की सतह पर उतरने का वीडियो सामने आया है। विक्रम लैंडर से उतरा रोवर चांद पर कर रहा चहलकदमी, चांद के बारे में कई तरह की जुटा रहा जानकारियां। ग्रीस दौरे से सीधे बंगलुरु जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो के वैज्ञानिकों के साथ करेंगे मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट के समापन के बाद ग्रीस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, हुआ जोरदार स्वागत, किया गया माल्यार्पण। एथेंस में टूम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुष्प अर्पित कर गुमनाम शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। लद्दाख में कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे राहुल गांधी, देश के शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। लद्दाख में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार पर बड़ा वार, कहा चीन पर झूठ बोल रही केंद्र सरकार, चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन पर किया है कब्जा। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा राहुल गांधी को चीन से क्यों है प्यार, झूठ बोलने में माहिर है, कांग्रेस पार्टी चीन को हजारों टन चावल भेजते थे पंडित नेहरू। AIMIM चीफ ओवैसी ने भी किया ट्वीट, लद्दाख सीमा पर वास्तविक स्थिति को लेकर देश को अंधेरे में रख रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति संग बैठक कर आखिर क्या छिपाना चाहते हैं। यूपी की कवित्री मधुमिता हत्याकांड के दोषी अमरमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार किया। कुल्लू में भीषण लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीर सामने आई, तीर्थन घाटी में भरभरा कर गिरे पहाड़, सड़कों पर लगा मलबे का ढेर। पहाड़ दरकने से चपेट में आए कई मकान, बुरी तरह से मकान हुए ध्वस्त, ड्रोन से कैद की गई तबाही की तस्वीर। कुल्लू के आणी में लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा तबाही, दर्जनों मकान हुए क्षतिग्रस्त, चारों तरफ दिखा मलबे का ढेर। आणी बस स्टैंड के पास हुआ था भीषण लैंडस्लाइड, ताश के पत्तों की तरह भर भराकर गिर गई थी कई इमारतें, मकानों में आई दरारें। चमोली के जोशीमठ में लोगों के लिए देवदूत बने SDRF के जवान, पागल नाले से किया एक शख्स का रेस्क्यू। चंद्रयान 3 की सफलता के सहारे भारत की अंतरिक्ष इकोनॉमी 2025 तक 13 अरब डॉलर होने का अनुमान, 2023 की दूसरी तिमाही में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 546 अरब डॉलर की हुई। 1 करोड़ तक की इनामी रकम जीतने का मौका देने वाली सरकार की योजना मेरा बिल मेरा अधिकार 1 सितंबर से शुरू होगी, खरीदारी का बिल अपलोड करने पर लकी ड्रॉ के जरिए मिलेगी रकम। 2020 का राष्ट्रपति चुनाव नतीजे पलटने से जुड़े आपराधिक मामलों में ट्रंप का सरेंडर, 20 मिनट तक एटलांटा जेल में बिताने के बाद 2 लाख अरब डॉलर के बॉन्ड पर रिहा। अमेरिका के वरिष्ठ जनरल ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान जल्द दिए जाने के बाद कही, यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दिए जाने का भी खुलासा। यूक्रेनी झंडे के रंगों वाली रोशनी से जगमगाया नजर आया फ्रांस का मशहूर एफिल टावर, यूक्रेन की स्वतंत्रता दिवस पर गुरुवार को एफिल टावर की गई सजावट।